मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं हूं रणवीर और मैं आ गया हूं फिर एक अपडेट लेकर जो कि बेरोजगार युवा साथियों से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी अपडेट है आज की। और देखिए, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर भर्ती विज्ञापन का नोटिफिकेशन या कोई भी सरकारी भर्ती से जुड़ा हुआ, युवाओं से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी संदेश समय पर मिल सके। देखिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए, यहां पर बेरोजगार युवा साथी काफी समय से परेशान हो रहे थे और इसको लेकर कई बार युवा साथियों ने आवाज उठाई, हर प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई। आखिर में आकर उनकी आवाज, उनकी मेहनत और उनकी जो इच्छा थी कि इस भर्ती के अंदर पद भरने चाहिए, वो पद भरने को लेकर आज जयपुर के अंदर बेरोजगारों की मांगों को लेकर मंत्री स्तरीय उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मंत्री बीडी कल्ला ने की। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए थे। देखिए, यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखो, बेरोजगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री स्तरीय उप समिति की बैठक ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने की, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। ठीक है, बैठक में देखिए ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भरत बेनीवाल को शामिल किया गया, क्योंकि ये पद कहीं न कहीं इनके संगठन से जुड़े हुए थे। देखिए, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की भर्ती में जो बचे हुए पद हैं, जिन पदों को निकालने की कोशिश की जा रही थी बेरोजगार युवा साथियों के द्वारा, उन पदों को लेकर यहाँ बैठक हुई। उस बैठक में एक सकारात्मक निर्णय निकल कर आया कि अगले सप्ते इन पदों को निकाला जाएगा। तो देखिए, अगले सप्ते ये पद निकाल दिए जाएंगे। अब पद आपके देखिए यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर में बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर बेरोजगार युवा साथियों के लिए जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक सकारात्मक संदेश है। मैं आप सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि इस पूरे संदेश को, जो कि एक पॉजिटिव संदेश है सरकार की तरफ से युवा साथियों के लिए, और अब तक जितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, लंबित पड़ी हैं, परीक्षाएं नहीं हुई, कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्टें भी आना बाकी हैं, तो उन सबको लेकर सभी बेरोजगार साथी जब एक रहेंगे, एक सुर में बात करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार पर इसका बड़ा असर पड़ता है। और जब सरकार पर जब दबाव पड़ता है तो सरकार इस तरह के निर्णय लेती है जो बेरोजगारों के हित में होते हैं। देखिए, जागो युवा जागो आंदोलन के तहत हम अपने YouTube चैनल पर बेरोजगारों की आवाज उठाते आ रहे हैं। भर्ती विज्ञापन तो आपको दिखाते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं, विश्लेषण आपको करते हैं, ठीक है। देखिए, कई सारी भर्तियों को लेकर तो हमने इतना विश्लेषण किया है कि विज्ञापन ही समझ में नहीं आ रहा, कहां का हर स्टेप को समझाने की कोशिश की। तो हम आपसे यही कहते हैं कि सभी एक रहें और हमारा काम है नोटिफिकेशन लाना, नोटिफिकेशन की जानकारी देना, नोटिफिकेशन का विश्लेषण करना, और आपका काम है जन जन तक, हर बेरोजगार भाई तक संदेश को पहुंचाना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, फिर आता हूं इस तरह की एक अपडेट के साथ, पॉजिटिव अपडेट आपको आज दी है तो वो बहुत ही खुशी की बात है। फिर मिलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन के साथ या नोटिफिकेशन के साथ और आपसे संबंधित खबर को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।